ंगडम ब्रेक डाउन इन आई मे फ्रेंड जेबी डॉक्टर आज से नौ महीने पहले रिलीज हुई थी और ये मूवी जाते जाते एक बहुत बड़ी मिस्ट्री पीछे छोड़ गयी पाई आखिर एम सी यू अर्थ सिक्स कब ऐसी हो गया well, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा सेवन लाइस के स्टारे मार्बल ने दो हजार आठ में खुद ये बात कंफर्म की थी की एम सी यू अर्थ वन नाइन 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 में एग्जिस्ट करता है और मार्बल कॉमिक्स शुरू ऐसी अर्थ सिक्स वन सिक्स में थी यही चीज कॉमिक्स और मूवीज की स्टोरीज को एक दूसरे से अलग बनाती थी लेकिन जब से लोकी सीरीज के लास्ट एपिसोड में सिल्वी ने ही को मार दिया और टाइम में बहुत सी ब्रांचेस बन गई तब से एम सी यू में हर जगह हर चीज की माँ बहन होनी शुरू हो गई, कहीं पर एक बच्चे की एडमिशन करवाने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज से मल्टीवर्स के पर्दे फट रहे हैं तो कहीं पर फॉक्स वालों की एक्समैन का क्विक सिल्वर एम सी यू की वांडा का भाई बनकर वांडा विजन में आता है कहीं पर शी हल्क जैसी वाहियात चीज डिजनी प्लस ऐसी बाहर निकल कर जा रही है और कहीं पर एम सी यू का अर्थ सिक्स बन जाता है क्या उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि ही रिमेन्स जो कैंग का वेरिएंट है वो शुरू से ही और टाइम को टीवी के थ्रू कंट्रोल कर रहा था ताकि कोई कैंग वेरिएंट पैदा ना हो पाए और क्योंकि कैंग जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है वो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड का ग्रेड सन है इसलिए हम सी में फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट नहीं करते ही रिमेन्स ने स्टार्टिंग से ही रीड रिचर्ड्स का वजूद खत्म कर दिया होगा जिसकी वजह से रिचर्ड्स फैमिली का कोई वजूद नहीं है और सेम चीज अप्लाई होती है एक्स मैन आरोप शायद कैंग उनसे भी रिलेटेड होगा इसलिए ही ह्यूरीमेंस ने एक्समैन फ्रेंचाइज का भी, में भी तक एक्सिस्टेंस नहीं आने दिया और एंड गेम में 2012 वाली टाइमलाइन में भी गड़बड़ी ही करवाई थी ताकि लोग उस तक पहुंच जाए और हीस खुद फ्री हो जाए इसलिए यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कैंग या कैंग का कोई भी वेरियंट किस हद तक टाइम अपने हिसाब ऐसी चला सकता है लेकिन क्यूँकी जब ही ह्यूरेमेंस की डेथ का टाइम पास में आ रहा था तभीमेंस को टाइम में कुछ चेंज होता हुआ फील हुआ था और वो चेंज इसलिए आ रहे थे क्योंकि एक तो ही की डेथ होने वाली थी और उसकी वजह से उसी टाइम कैंग वेरिएंट्स पैदा होने की ब्रांचेस बननी शुरू हो गई और एक तो उस टाइम स्कारलेट विच में कन्वर्ट हो रही थी और ये बात भी पॉसिबल है कि किसी कैंग वेरिएंट ने ही डार्क होल्ड लिखी है ताकि वॉन्डा स्कारलेट विच बन जाए और वो एक अच्छी सुपर हीरो से विलन बन जाए क्योंकि शायद जो परफेक्ट रियलिटी कैंग चाहता है जहां वो मल्टीवर्सल वॉर जीतेगा वहाँ उसे वॉन्डा से खतरा हो सकता था इसलिए उसने वॉन्डा को ही विलन बना दिया और क्योंकि लोकी टीवी एंड गेम के दौरान गया था और वांडा विजन वाली स्टोरी एंड गेम की लड़ाई के 21 दिनों के बाद शुरू होती है इसलिए ये दोनों इवेंट्स एक ही टाइम पर हो रहे हैं और परफेक्टली सिंक हो रहे हैं अब डार्क होल्ड कैम ने लिखी है इसका सबूत है दीवार पर ये जादू टोने वाले रूम जिनकी वजह से वॉन्डा की पावर्स एग्ता के आगे काम नहीं कर रही और फिर ये सेम रूम हमें टीवीए में दिखते हैं जो खुद में ही एक आंसर है क्यों लोकी की पावर्स टीवीए में नहीं चलती डार्क होल्ड के बारे में हम फुल डिटेल में मेरी दूसरी वीडियो में बात करेंगे चलो वॉन्डा वाली बात तो हो गई और बची कुची कसर नोवे होम जैसी मूवी में निकल गयी क्यूँकी फार फ्रॉम होम एंड गेम ऐसी आठ महीने बाद होती है और उसके सात दिन बाद नोवे के इवेंट शुरू हो जाते हैं इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के गलत मंत्र पढ़ने का कारण भी कैन की प्लानिंग है और शी हल्क जैसी यूजलेस सीरीज में भी हमें कैंग का थोड़ा बहुत हाथ दिखेगा जहाँ हमें एक मेटल के पंजों वाले आदमी की बार में फाइट होने की न्यूज दिखेगी जो डेफिनेटली लोगन यानी डेफिनेटलीन है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने एम के अंदर पहली बार एक्स मैन के प्रोफेसर एक्स को देखा और फैंटेस्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स को देखा इसलिए कन्फर्म होता है कि ही की हीस की डेथ से वो सब अनलॉक हो गया है जिसे आज तक ही हीस ने कभी होने ही नहीं दिया था और क्योंकि ये सभी इवेंट्स एमसीयू की टाइमलाइन चेंज कर चुका चुके हैं इसलिए पुराने एम का अर्थ वन नाइन 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 अब अर्थ सिक्स वन सिक्स में कन्वर्ट हो गया है और माना जा रहा है सीक्रेट वार्स मूवी जो मल्टीवर्स सागा की एंड गेम होगी उसके बाद सब कुछ फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा और एम सी यू का अर्थ दोबारा ऐसी वन नाइन 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 हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग